अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर पोएम इज़ पॉलिटिक्स बाय डब्ल्यू बी येट्स। वी विल डू क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम एज वेल एज विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द पोएम। पॉलिटिक्स बाय डब्ल्यू बी येट्स। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। डब्ल्यू बी येट्स वॉज एन आयरिश पोइट एंड ड्रामेटिस्ट। वेन वी कम टू हिज पोइट्री, वी कम टू नो दैट ही राइट्स इमेजिनेटिव, रोमांटिक एंड पोइट्रियाटिक पोइट्री। ये थ्री सब्जेक्ट्स हैं उसकी पोइट्री के मेन जिस पर वो लिखता है जी। हिज रोल थ्रू आउट हिज लाइफ, नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स एंड लिटरेरी मूवमेंट, इस पर उसने काम किया है जी बहुत ज़्यादा। ट्रू पोइट्री कंटेन्स अ रेवोल्यूशन इन इट, ये उसकी फिलोसफी है जिसको वो फॉलो करता है और उसके बेसिस पर उसने पोइट्री लिखी है। और उसका ख्याल है कि जो ट्रू पोइट्री होती है दैट इज़ अ रेवोल्यूशन, दैट कंटेन्स अ रेवोल्यूशन, वो एक आमद होती है जो कि दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द सोल, द स्पिरिट, द माइंड, द हार्ट, तो दैट इज़ अ रेवोल्यूशन। अ सिंपल एंड ब्यूटिफुल पोएम जी। इंट्रोडक्शन का ये पार्ट जो कि हम किया करते हैं दैट कैन बी रिटन एज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम एज वेल। अ सिंपल एंड ब्यूटिफुल पोएम एंड टू क्वाइट ऑपोजिट एंड कॉन्ट्ररी थीम्स, दो कॉन्ट्ररी थीम्स इसमें हमें मिलने जा रहे हैं जी, पॉलिटिक्स एंड लव। टाइटल में हमें सिर्फ पॉलिटिक्स मिलेगा तो हमें उससे पता चलता है कि शायद ये सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिक्स की डिस्कशन करने जा रहा है, बट व्हेन वी कम टू द पोएम टू द टेक्स्ट तो फिर हमें पता चलता है कि वो पॉलिटिक्स को डिस्कस करना चाह रहा है इन कंपैरिजन विद लव। द पोइट कंपेयर्स दीज टू ऑपोजिट एंटिटीज दैट इन दिस एज ऑफ कॉम्पिटिशन। अर्ली 20th सेंचुरी में ये पोएम लिखी जा रही है जब स्टेज हो रहा है वर्ल्ड वॉर के लिए, जब पॉलिटिक्स जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है वो टेंड कर रही है और ट्रेंड कर रही है टू वर्ल्ड वॉर्स। तो इस एज ऑफ कॉम्पिटिशन में पॉलिटिक्स हैज़ गेन्ड ग्रेट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, और यही वो ये टाइम था कि जिस वक्त तमाम लोगों की नज़रें जो थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर लगी थी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आज के दौर में हम सब लोग फोकस कर रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, और वो इंटरनेशनल लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो, बोथ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हमें नज़र आ रहा है कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट अस अ लॉट। तो इसलिए उसने कहा कि जी पॉलिटिक्स हैज़ गेन्ड ग्रेट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। He compares politics as the ultimate reality in this era of modern times and love as the inborn and irresistible need of man. और वो compare करता है politics को, और उसका ख्याल है कि this is the ultimate reality of modern times. आप इससे deny नहीं कर सकते. So when we come to the question, हमसे question अगर किया जाता है कि क्या इसमें अगर हम देखते हैं politics और love को, तो क्या जो poet है वो पॉलिटिक्स को टोटली डिनाई कर देता है, वो टोटली इसको ख़त्म कर देता है, तो उसमें हम कहेंगे नहीं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है दैट पॉलिटिक्स इज़ द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द मॉडर्न टाइम्स, बट लव इज़ द इन बोर्न एंड इरेजिस्टिबल नीड ऑफ मैन, के जिसको मैन रिजिस्ट नहीं कर सकता, वो किसी भी नेशन से हो, किसी भी रीजन से हो, किसी भी रिलीजन से हो, लव इज़ द इन बोर्न एंड रिजिस्टिबल इरेजिस्टिबल नीड ऑफ मैन, जिसे वो डिनाई नहीं कर सकता। सो दो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रियलिटीज ऑफ मैंस लाइफ। एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन द पोलिटिकल सिनेरियो ऑफ द होल वर्ल्ड, आजकल भी ऐसा ही है। द पोइट बिगिन्स द पोइम विद थॉमस मैंस कोटेशन। जब हम पोइम की तरफ जाते हैं, अगर आप अपने टेक्स्ट में देखें, आप अपनी पोइम जो आपने खोली हुई है अपनी बुक, तो उसमें जो आप देखेंगे तो आपके पोइम का स्टार्ट होने से पहले वहाँ पर आपको एक कोटेशन मिलती है थॉमस मैन की, जिसमें के पोइट ये कहता है इन आर टाइम द डेस्टिनी ऑफ मैन प्रेजेंट्स इज मीनिंग इन पोलिटिकल टर्म्स, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और वो ये चाहता है कि जब आप ये पोइम पढ़ें तो उससे पहले ये कोटेशन आपके जहन में हो, ताकि आपको पता चले कि वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिक्स, और पोइम पोइट जो है उसके जहन में पॉलिटिक्स के हवाले से क्या है, कि आपको ये ना लगे कि उसने पॉलिटिक्स को टोटली डिनाई कर दिया। इसलिए ये जो कोटेशन है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेटिंग अप द माइंड सेट ऑफ द पोइट इन फ्रंट ऑफ द रीडर्स, के जो ये समझ लें कि जो पोइट है वो समझ चुका है कि वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिटिक्स। तो अब वो इसमें कहना क्या चाहता है जी, पोलिटिकल एटमोसफियर इज़ सो मच सिग्निफिकेंट that it defines and designs the future of a person living in any country. जी ये हमें
पॉलिटिक्स के बारे में पोइट ये बताना चाह रहा है कि आप किसी भी मुल्क से हों, अभी आप ख़ुद भी देख लीजिए कि आप किसी भी मुल्क से हैं, किसी भी रीजन से, किसी भी नेशन से, किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से आपको अफेक्ट कर रही है। आपके कुछ प्लान्स होंगे, कुछ एम्बिशंस होंगे, लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो डिफाइन करेगी, वो शेप करेगी, वो डिसाइड करेगी कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो वो पॉलिटिक्स जो है वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, दोनों लेवल्स पर इट इन्फ्लुएंसेस लाइफ ऑफ पीपल। ये दोनों में इसी तरह से काम करती है। स्मूथ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ब्रिंग्स डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड पीस, वेयर एज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉजेज क्याओस, डिप्रेशन एंड मॉरल डिसलरेशन। जी अब क्या है जी, जो स्मूथ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है कहीं पर भी हो, जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं एंड यू डू नॉट इंटरफेयर दूसरों की क्या वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो उसमें आप इंटरफेरेंस नहीं कर रहे होते, तब तो आपका जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है दैट इज़ वेरी मच स्मूथ। तो उससे क्या होता है, डेवलपमेंट होती है, प्रोग्रेस होती है, पीस आता है। बट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वेदर ऑन नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल, इट कॉजेज केओस, डिप्रेशन एंड मॉरल डिसेलरेशन। मॉरली भी आप डिग्रेडेशन को देखते हैं। The poet believes that the powerful influence of love is far superior to the world of politics and war. और जब यहाँ पर आते हैं, instability की बात होती है, chaos की, war की, war alarms की बात होती है, तो उस वक्त poet जो है वो conclude करता है और वो ये बताता है that love is more powerful and it is superior to the world of politics and war and its dangers and its consequences. Symbolism. The poet wants to escape from this boring and horrific discussion of politics, war and traveling in the presence of a beautiful girl standing in front of him. Symbolism हमें मिलता है in the very beginning of the poem। हमारे सामने एक लड़की खड़ी है, जो poet हमें दिखा रहा है कि वो सामने एक लड़की खड़ी है। तो अब एक जो है वो एक तरफ लड़की है, दूसरी तरफ politics है, war है, traveling है, तो वो किस तरह से वो divert करे अपनी attention from that girl towards these boring and horrific entities। He's in favor of love which takes man away from the bitter realities of the world। और फिर वो ये कहता है कि वो लव की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो सारी चीज़ों की बात कर रहा है, पॉलिटिक्स की, वॉर की, ये सब बहुत बोरिंग और हॉरिफिक हैं। तो ये हॉरिफिक और बिटर रियलिटीज जो हैं उनसे एस्केप चाहता है, उनसे एस्केप चाहते हैं। तो यू कैन हैव शेल्टर ओनली इन लव। Political reality cannot be denied, but it is certainly overruled by the powerful force of love। एक मतलब फिर यही बात की जा रही है कि जो political reality को deny नहीं कर सकते, but in the presence of love, it is overruled by love। The girl symbolizes love, youth and beauty। अब यहाँ पर जो लड़की है वो सिम्बलाइज करती है, सिंबल है लव, यूथ एंड ब्यूटी का। शी क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर लव इन द हार्ट ऑफ द पोइट। और पोइट चाहता है कि वही वाले इमोशंस, वही वाले फीलिंग्स वो रीडर के हार्ट में भी उसी तरह से इनकलकेट कर सके, उसके अंदर वो सारे पैदा हो जाएं, वो सब प्रोड्यूस कर सके और वो बता सके कि लव कितना पावरफुल इमोशन है, कितना लव पावरफुल एंटिटी है। लव इज़ अ गुड अल्टरनेटिव एज कम्पेयर टू द बिटर रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स। अब लव को वो इन कंपैरिजन देख रहा है विद पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स को वो इन कंपैरिजन विद लव देख रहा है, दोनों को कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहा है जी। दस पॉलिटिक्स सीम टू हिम क्वाइट मीनिंगलेस इन द प्रेजेंस ऑफ लव एंड ब्यूटी। उसने कहा कि अगर इसको सेपरेटली देखा जाए तो पॉलिटिक्स जो है इट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन वंस लाइफ, इन वंस पोलिटिकल लाइफ, एंड ये सिग्निफिकेंस जो है डिसाइड करती है उसकी सिचुएशन, उसकी स्टेटस को इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड। बट वेन इट कम्स इन कंपेरिजन विद लव, तो उस वक्त लव जो है वो ओवर रूल कर जाता है, लव जो है वो उसके सामने पॉलिटिक्स जो है वो मीनिंगलेस हो जाती है। पॉलिटिक्स कॉजेज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एंड लव कॉजेज पीस। और उसका जो इनवर्ड जो मीनिंग वो हमें कन्वे करना चाहता है वो यही है कि पॉलिटिक्स ब्रिंग्स वॉर्स एंड वॉर अलार्म्स, और लव कॉजेज पीस, रिलैक्सेशन। The poet wishes to be young again so that he could escape from the seriousness and bitterness of life and wants to enjoy life with full zeal and zest। और उसको ये लगता है कि जो
लाइफ है, अगर आप उसको इंजॉय करना चाहते हैं तो इस सीरियसनेस और बिटरनेस ऑफ लाइफ जो है, जो कि पॉलिटिक्स की वजह से आ रही है ज़िंदगी में, उससे एस्केप कर दिया जाए एंड वॉन्ट्स टू इंजॉय लाइफ विद फुल ज़ील एंड ज़ेस्ट, और उसी सूरत में मुमकिन है कि जब वो लव के तरफ आ जाए. जी, स्टार्ट विद द टेक्स्ट. इन आवर टाइम द डेस्टिनी ऑफ मैन प्रेजेंट्स हिज मीनिंग्स इन पोलिटिकल टर्म्स, थॉमस मैन. जी, ये थॉमस मैन की कोटेशन है जो यहाँ पर कोट किया, और जब ये चीज़ बता देता है, जिसके लिए हम नीचे इसके अगर एनालिसिस की तरफ चले जाते हैं, तो नीचे हमारे पास जो लाइन लिखी है इन ब्लैक, टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिक्स विच डिफाइंस एंड डिजाइंस द फ्यूचर ऑफ मैन, कि जो डेस्टिनी ऑफ मैन है, इट इज़ शेप्ड, इट इज़ डिज़ाइंड, इट इज़ डिफाइंड इन पोलिटिकल टर्म्स, कि आप किस नेशन में रह रहे हैं, वहाँ पर किस किस्म का पोलिटिकल एटमोसफियर है, आप जिस दुनिया में रह रहे हैं उस वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है वो किस तरफ को जा रही है, इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों से आपकी लाइफ जो है वो डिफ़ाइन होगी, आपका फ्यूचर डिफ़ाइन होगा. अब वो ये बताने के बाद कि आप समझ लें कि पोइट इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ, वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिटिक्स, वो उससे बिल्कुल वेरी वेल अवेयर है. तो उसके बाद वो कहता है कि नाउ कम टू द पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है जी, हाउ कैन आई, उसने कहा कि मैंने थॉमस मैन की जो कोटेशन उसने लिखी है, उसे उसने बताया है कि मुझे सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिक्स का बहुत अच्छे से पता है, बट एट दिस टाइम हाउ कैन आई, दैट गर्ल स्टैंडिंग देयर, माई अटेंशन फिक्स ऑन रोमन और ऑन रशियन और ऑन स्पेनिश पॉलिटिक्स, के सामने वो लड़की खड़ी है, तो फिर मैं उसको छोड़कर रोमन रशियन स्पेनिश पॉलिटिक्स की तरफ क्यों देखूं? दिस इज़ द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन कर रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिक्स को इन द प्रेजेंस ऑफ लव. तो थीम ऑफ कंट्रास्ट हमें यहाँ पर मिला है जी, पॉलिटिक्स एंड लीव लव, दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं जी. एंड ही कंपेयर्स देयर सिग्निफिकेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस इन मैंस लाइफ, के दोनों का रोल क्या है लाइफ में, और दोनों कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आते हैं, दोनों की क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं एक इंसान की ज़िंदगी में. द पोइट फेसेस अ चॉइस, अब उसके सामने चॉइस है. यूँ समझ लीजिए कि आपके सामने दो टीवी हैं, एक टेलीविज़न के ऊपर आपको नज़र आ रहा है पोलिटिकल सिनेरियो, और दूसरे टेलीविज़न पर आप देख सकते हैं लव एंड एंटरटेनमेंट. तो फिर आप किस तरफ जाएंगे? इफ़ यू आर यंग, यू विल डेफिनेटली गो टूवर्ड्स द टेलीविज़न विद एंटरटेनमेंट और लव. लेकिन जो अगर आप सीरियस हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं, तो उस वक्त फिर आप पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे. बट जब आप उससे बोर हो चुके हैं, और जब आप उसकी सिग्निफिकेंस को देख चुके हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स को भी देख चुके हैं, आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, देन आप इस जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म का चॉइस है, ऑफ़र है, वो उसमें आप आ जाएंगे टेंशन में कि आपको कौन सी चीज़ को चूज़ करना है, कि जब आपके एक तरफ पॉलिटिक्स है और दूसरी तरफ लव है. तो यहाँ पर पोएट हमें बताता है रियलिटी of politics versus basic need to love and to be loved, कि ये reality है, इसे deny नहीं किया जा सकता. politics की reality इस ये survival के लिए ज़रूरी है, but at the same time man needs to love and to be loved, उससे हम इनकार नहीं कर सकते जी. the need of the day is to focus on the political scenario of the whole world, but it has made one's life so miserable and pitiable that he wants an escape. पोइट अब बता रहा है कि जी पॉलिटिक्स मतलब मैं किधर देखूं, इधर देखूं, स्पेनिश की तरफ देखूं, रशियन पॉलिटिक्स में देखूं, रोमन की तरफ देखूं, किस पॉलिटिक्स की तरफ देखूं, तो इंसान कंफ्यूज्ड है. तो उसने कहा कि इन दिस एज ऑफ कंफ्यूजन, के जिस वक्त आपके आपको समझ नहीं आती कि आप किधर जाएँ, किस तरफ जाएँ, तो आपकी लाइफ दैट हैज़ बिकम मिजरेबल एंड पिटिएबल. तो नाउ ही वॉन्ट्स एन एस्केप, वो चाहता है यहाँ से निकल जाए, कहीं दूर निकल जाए. कहाँ जाए? इन द लैप ऑफ लव. कंपेयर्स द पावर ऑफ लव विद द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिक्स, के पॉलिटिक्स की सिग्निफिकेंस अपनी जगह है, बट पावर ऑफ लव इज़ एग्जिस्टिंग. कि जिस वक्त आपको फिर ये लगता है कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ कंपेयर वो करके वो बता रहा है हमें कि दोनों एक दूसरे को ओवर रूल कर सकते हैं, पॉलिटिक्स भी और लव भी. और ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जब आप यंग होते हैं तो उस वक्त जो है वो जो पॉलिटिक्स का रेशो है वो कितना है और लव का रेशो कितना है. तो ये आगे हम जाके इसको डिटेल में भी डिस्कस करते हैं. येट हियर इज़ अ ट्रेवल्ड मैन दैट नोज व्हाट ही टॉक्स अबाउट एंड देर इज़ अ पॉलिटिशियन दैट हैज़ बोथ रेड एंड थॉट. अब जी ये दो लोगों के साथ हमारी मुलाकात करा रहा है जी. एक है ट्रेवल्ड मैन
और एक है पॉलिटिशियन. ट्रेवल्ड मैन इज़ वेरी मच वेल अवेयर, ही इज़ अ नॉलेजेबल पर्सन हु नोज वॉट ही टॉक्स अबाउट. उसको बहुत अच्छे से पता है, उसकी सारी न्यूज़ बड़ी ऑथेंटिक हैं क्योंकि उसको पता है जो वो बता रहा है उसके बारे में, उसको बहुत अच्छे से पता है. और एक पॉलिटिशियन है हु हैज़ बोथ रेड एंड थॉट, और उसने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी किए हैं पॉलिटिक्स के बारे में और उसने उनको पढ़ा भी है. द पोइट ब्रिंग्स इन द जजमेंट्स एंड एक्सपीरियंसिस मेड बाय द पॉलिटिशियंस एंड ट्रेवल पर्सन्स. अब वो लेकर आ रहा है इनकी जजमेंट्स को और इनके एक्सपीरियंसिस को, और वो हमें बताता है द पावर ऑफ नॉलेज विजडम एंड एक्सपीरियंस एंडोर्सेज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिक्स इन द प्रेजेंट वर्ल्ड. आपका नॉलेज भी आपको बताता है पॉलिटिक्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, विजडम भी यही बताता है, एक्सपीरियंस भी यही बताता है, कि ये तीनों चीज़ें हमें बताती हैं दैट पॉलिटिक्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड. हीज एजुकेशन इन द सिविलाइज वर्ल्ड फोर्स हिम टू फोकस इज अटेंशन टूवर्ड्स द पॉलिटिक्स. अब क्या है कि जी ट्रेवल मैन ने उसको बताया पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिशियन ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या पता चला कि उसकी एजुकेशन और सिविलाइज वर्ल्ड जो हैं वो उसको फोकस कर रहे हैं, उसको फोर्स कर रहे हैं कि खबरदार तुमने उस लड़की की तरफ नहीं देखना, तुमने या इस पॉलिटिक्स की तरफ जाना है, चाहे वो रोमन हो, रशियन हो, स्पैनिश हो, वो कोई भी पॉलिटिक्स हो, तुम पॉलिटिक्स की तरफ देखो बिकॉज इट इज़ वेरी मच नीडेड फॉर द सर्वाइवल. ये उसने बात की है जी. द पोइट प्रेजेंट्स टू पर्सन्स, पॉलिटिशियन द ट्रेवल मैन. अब एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जी ट्रेवल मैन और पॉलिटिशियन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस लेकर आता है, तो उसमें एक स्टेंजा को आप लिख सकते हैं. साथ ही साथ हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो पॉलिटिशियन है ही गेट्स हिज नॉलेज आउट ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस विच मे बी सब्जेक्टिव इन इट्स नेचर, कि उसका जो सब्जेक्टिव हो सकता है उसका जो आउटलुक है, क्योंकि उसने अपना एक्सपीरियंस किया है, उसके कुछ लाइक्स होंगे, कुछ डिसलाइक्स होंगे, किसी पार्टी के साथ उसकी एफिलिएशन होगी, किसी को वो डिसलाइक करता होगा, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता होगा. और ट्रेवल्ड मैन गेट्स हिज विजडम ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जबकि ट्रेवल्ड मैन जो है वो वर्ल्ड टूर पर निकला होगा, अगर नहीं निकला होगा उसने बहुत सारे कंट्रीज़ को देखा होगा, वहाँ के पॉलिटिक्स को देखा होगा, पॉलिटिशियंस को देखा होगा, उसने पार्टी ए को भी देखा होगा, उसने पार्टी बी को भी देखा होगा, उसने दोनों के जो फिलॉसफीज़ हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, उन्होंने उसने उनको भी देखा होगा और उसको पता होगा कि दोनों में से किसकी चीज़ें ठीक हैं, किसकी बातें ठीक हैं, तो वो उसका एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होगा जिसमें उसके अपने पर्सनल लाइक और डिसलाइक्स नहीं होंगे. तो ये उसने दोनों की बात की है जी. बोथ ऑफ देम हैव रैशनल अप्रोच टूवर्ड्स दिस कंट्रास्ट. उनका जो विजडम है, जो उनका रीज़न है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, वो उनको बताती है इस सिग्निफिकेंस के बारे में. उनकी रैशनल अप्रोच है, बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है जो आपकी अक्ल दानिश पर डिपेंड करती है जी. बोथ मोर पुट मोर एक सिग्निफिकेंस इन पॉलिटिक्स एंड कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस इन दिस वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न टाइम्स, कि पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों ने एक ही बात की, देखें भाई साहब पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसी की तरफ देखिए, इसी को तवज्जो दीजिए. अब पोइट फिर से उनको क्या कह रहे हैं, मे बी वॉट दे से इज ट्रू ऑफ वॉर एंड वॉर्स अलार्म्स, कि ठीक है जो वो बात कर रहे हैं हो सकता है बिल्कुल ठीक कर रहे हों, वॉर भी होने वाली है, वॉर के अलार्म से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप पॉलिटिक्स से वेल अवेयर होंगे तो ही आप अपने लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे, आप अपने जो अरेंजमेंट्स कर सकेंगे टू सेव यू फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ वॉर. बट ओ दैट आई वर यंग अगेन एंड हेल्ड हर इन माई आर्म्स. वॉर से एकदम से उसने छोड़ छाड़ कर फिर से वो लव की तरफ आ जाता है. द पोइट कंपेयर्स द फाइंडिंग ऑफ द पॉलिटिशियन द ट्रेवल्ड मैन हु फोरवॉर्न ऑफ वॉर इट्स डेंजर्स एंड डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस. सारी चीज़ों के बारे में बात करता है कि वो हमें फाइंडिंग्स जो अपनी बताते हैं वो बड़ी हॉरिफिक है, क्योंकि वॉर और डेंजर्स और उसके डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करते हैं, सर्वाइवल के लिए उसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि अगर आपको ज़िंदा रहना तो आप ये सारी चीज़ें, अगर वरना आपको पता ही नहीं होगा और आपके ऊपर अटैक हो जाएगा. द पॉइंट वंस अगेन कंपेयर्स विद लव एंड डिक्लेयर्स दैट देयर व्यूज़ मे बी ट्रू, दे कैन नॉट बी एक्सेप्टेड द कॉस्ट ऑफ ब्यूटी एंड लव, कि ठीक है वो भी ठीक कह रहे होंगे बट उनके इन आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता एट द कॉस्ट ऑफ ब्यूटी एंड लव, कि आप अपनी जो इनबॉर्न आपकी एक नीड है, आपकी रिक्वायरमेंट है, या आपका जो बॉडी है रिलैक्स होना चाहता है, आपका माइंड रिलैक्स होना चाहता है, बिकॉज लव गिव्स यू सूदिंग इफेक्ट, पीसफुल इफेक्ट, क्योंकि उस तरफ तो वॉर ही वॉर है और लव जो है वो आपको पीस दे रहा है, आपको सूदिंग एनवायरमेंट दे रहा है. तो फिर क्या है, मैन जो है, ह्यूमन बींग जो है वो इंक्लाइंड होगा टूवर्ड्स पीसफुल एनवायरनमेंट बाय नेचर. तो नेचर के अगेंस्ट है अगर आप लव को छोड़कर तो पॉलिटिक्स की तरफ चले जाते हैं. ही कंपेयर्स द इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस आल्सो,
एंड declares that love is superior to politics, war, traveling and education. के सारी चीज़ें अपनी जगह पर ठीक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी सिग्निफिकेंट है, बट लव इज सुपीरियर टू ऑल. ही कंपेयर्स अ लवर विद द पॉलिटिशियन एंड ट्रेवल मैन, देयर आउटलुक इज रैशनल. पॉलिटिशियन की और ट्रेवल मैन की जो आउटलुक है दैट इज रैशनल, वाइल दैट ऑफ लवर इज इमोशनल एंड इमेजिनेटिव. क्योंकि वो इस रियल वर्ल्ड की बातों को नहीं मानता, वो अपने ख्यालों में रहता है, लेकिन उसको लगता है कि लव इज़ वेरी मच नीडेड टू हील अप द वूंड्स ऑफ वॉर. कि अगर आप इन पॉलिटिक्स के जो आपके ऊपर अटैक्स होते हैं उनसे बचने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए उसकी इंटेंसिटी, आपको ज़रूरी है लव की तरफ जाना. द पोएट डज नॉट लाइक टू फोकस हिज अटेंशन टुवर्ड्स पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स एंड राइवलरी. ही वॉन्ट्स टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ एवरी वन टूवर्ड्स द पीसफुल वर्ल्ड ऑफ लव एंड यूथ. वो चाहता है कि जो चीज़ वो फील कर रहा है वो लोग भी एक्सेप्ट कर लें. दिस इज़ द रियलिटी. इट्स नॉट कॉवर्डस कि आप छोड़ दें सारी चीज़ें और आप लव की तरफ चले जाएँ. उसने कहा कि उसको भी देखें, लेकिन उसको भी देखें, बट देयर मस्ट बी अ बैलेंस. पॉलिटिक्स की सिग्निफिकेंस भी है, लव की सिग्निफिकेंस भी है. ना आप उसको डिनाई कर सकते हैं तो ना आप उसको डिनाई कर सकते हैं. दोनों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ quite natural. He discusses about the power of love and youth that can decrease the intensity of harms of the bitter political instability. के political stable instability से जो आप dangers या जो को उसके consequences होते हैं बड़े harmful, उनको decrease कर सकते हैं, उनकी intensity को उसको कम कर सकते हैं, उसकी शिद्दत को. किससे? With the power of love. Yeats is no more young. अब हमें at the end पता चलता है, जब ये ख्वाहिश करता है कि काश मैं दोबारा से यंग हो जाऊं, तो तब हमें पता चलता है दैट ही इज़ नो मोर यंग. ही एडमिट्स द रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स एज अ फैक्ट बट वॉन्ट्स टू रोमेंटिसाइज दिस रियलिटी. वो डिनाई नहीं कर रहा. वंस अगेन वी कम टू द क्वेश्चन कि पॉलिटिक्स में और लव में क्या वो पॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस है उसको डिनाई करता है? नहीं, नॉट एट ऑल. वो उसको रोमांटिसाइज करना चाहता है उस रियलिटी को, कि ठीक है उसको भी रखें लेकिन लव भी रखें. विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ लव उसको रोमांटिसाइज करना चाहता है, बिकॉज ही इज़ ऑफ द व्यू दैट लव कैन लेसन द पेन्स ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, के कम कर सकते हैं उन पेन्स को. एट द एंड ऑफ द पोएम ही हैज़ एक्सेप्टेड द रियलिटी एंड पावर ऑफ लव एज ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू द पॉलिटिक्स. कि पॉलिटिक्स को ओवरवेलम कर जाता है, उसको ओवररूल कर देता है. ई नो मोर वॉन्ट्स टू थिंक अबाउट एनी थिंग ऑफ द वर्ल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ यंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल हु इज़ अ सिंबल ऑफ लव ब्यूटी एंड यूथ. उसने कहा कि जी पॉलिटिक्स इतनी पावरफुल नहीं है कि वो लव को, यानी आपकी नेचर को ओवररूल करे. नेचर है कि आपको जो है लव के इस इमोशन की तरफ जाना है, बिकॉज आपको पीस चाहिए, पीसफुल एनवायरमेंट चाहिए. तो उसके लिए आपको पॉलिटिक्स को, यू हैव टू टेक इट, यू हैव टू पुट इट असाइड. He wishes to become young again to enjoy the blessings and pleasures of young love. और वो पॉलिटिक्स के साथ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको लगता है कि जी उसको लव की तरफ जाना है. ही डज नॉट डिनाई द रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स, राधर ही क्वेश्चंस इट्स सिग्निफिकेंस इन कंपैरिजन विद लव. तो हम इस बात पर पहुंचते हैं कि वो पॉलिटिक्स की रियलिटी को डिनाई नहीं कर रहा है, बट ही क्वेश्चंस इट्स सिग्निफिकेंस इन कंपैरिजन विद लव. कि लव के साथ उसको कंपेयर करता है और बताता है कि जितनी सिग्निफिकेंस पॉलिटिक्स की है उतनी ही सिग्निफिकेंस जो है लव की भी है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. नंबर वन, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. क्रिटिकल एनालिसिस लिखेंगे, थीम लिखेंगे, हम इसमें डिस्कस करेंगे. हाउ डज द पोएट डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रैवलिंग मैन एंड द पॉलिटिशियन, इसको हमने डिस्कस किया बहुत ज़्यादा. नंबर थ्री, डिस्कस द पोएम एज अ कंट्रास्ट बिटवीन पॉलिटिक्स एंड लव. पूरी पोएम जो है उसमें पॉलिटिक्स और लव का कंट्रास्ट ही हमें मिल रहा है जी. तो क्रिटिकल एनालिसिस आ जाएगा. इन पॉलिटिक्स द पॉलिटिकल रियलिटी इज़ नॉट डिनाइड बट क्वेश्चन इन द फेस ऑफ रियलिटी. इसके ऊपर मैंने बहुत सारी बात कर ली है, तो इसमें भी क्रिटिकल एनालिसिस आएगा विद मोर फोकस ऑन दिस क्वेश्चन. नंबर फाइव, व्हाई डज द पोएट विश टू बी यंग अगेन. जी दिस इज़ द कंक्लूजन के जब वो आते हैं हम इस पर, लेकिन आफ्टर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.